हेलो फ्रेंड्स, वाईएस में आपका स्वागत है। आज हम आपको बताएंगे जरकन रत्न धारण करने की विधि। तो सबसे पहले फ्रेंड्स, आपने इस रत्न को चांदी में मढ़वा लेना है। इसके बाद फ्रेंड्स, आपने इस रत्न को शुक्ल पक्ष के किसी भी शुक्रवार की सुबह को आपने इसको धारण करना होता है। आपने शुक्र पक्ष के गुरुवार की रात को इसको गंगा जल या गाय के कच्चे दूध में आपने इसको डुबो देना है। फिर आपने अगली सुबह शुक्रवार के दिन इस रिंग को गंगा जल से बाहर निकालना है। फिर आपने इस पर धूप अगरबत्ती करनी है। धूप अगरबत्ती करने के बाद फ्रेंड्स, आपने इस मंत्र का 108 बार जाप करना है। जाप करने के बाद आपने बोलना है कि हे शुक्रदेव, मैं आपको प्रसन्न करने के लिए आपका प्रिय रत्न जरकन धारण कर रहा हूँ या कर रही हूँ, कृपा करके ये रत्न मुझे शुभ फल दे। इसके बाद आपने अपने हाथ की रिंग फिंगर में इसको धारण कर लेना है। फ्रेंड्स, जो लड़के हैं वो अपने राइट हैंड की रिंग फिंगर, जिसे हम अनामिका उंगली भी कहते हैं, उसमें धारण करेंगे इस रत्न को। और जो लड़कियां वो अपने लेफ्ट हैंड की रिंग फिंगर में इस रत्न को धारण करेंगी। फ्रेंड्स, जो ये रत्न है ये शुक्र का उपरत्न है। तो अगर आप डायमंड रत्न धारण नहीं कर सकते तो आप जरकन रत्न धारण कर सकते हैं। ये रत्न आपको उतना ही शुभ फल देगा। फ्रेंड्स, ये रत्न आपको 15 दिन तक आपको असर दिखाना शुरू कर देता है। और आपने एक ध्यान रखना कि इस रत्न को आप 3 साल बाद चेंज करते रहें, क्योंकि फ्रेंड्स 3 साल बाद ये रत्न एक्सपायर हो जाता है। तो आपने क्या करना है कि इस रत्न को 3 साल बाद चेंज करते रहना, क्योंकि ये अपना असर 3 साल बाद कम करते देते हैं, इसलिए आपने इसको चेंज करते रहना है। अगर फ्रेंड आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।